दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने से जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। इससे पहले संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कई सवाल किए थे। संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोई विरोध नहीं किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उन्हें जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं और उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला। अब भी ईडी संजय सिंह को हिरासत में रखना चाहती है, उन्हें हिरासत में रखना क्यों जरूरी है? संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके खिलाफ कोई बयान नहीं था, कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी नाम नहीं लिया गया, सिर्फ 2 मौकों पर कहा गया कि 1 करोड़ रुपए लिए गए, सब आरोप पूरी तरह से वेग है। इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी।